अगर आप ये वाला कीबोर्ड कैसियो CTX 870 इन यूज करते होंगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ कमाल के फीचर्स बताने वाला हूँ, जिसको यूज करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ नया सीखा, नया बजाया। मैं वाली पावर बटन दबा के इसको ऑन कर लेता हूँ। आप इसको जब भी ऑफ करके ऑन करेंगे तो इसके सारी सेटिंग्स, जो भी चेंजेस आपने इसमें किए थे, सब बाय डिफॉल्ट फिर से रीसेट हो जाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले जो भी चेंजेस किया था सब इसमें हट चुका है, अब सब कुछ नया बाय डिफॉल्ट शुरू से लग चुका है। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में आपको बहुत ढेर सारी बटन्स मिल जाती है, उसी में आपको इधर मिल जाएंगे रिदम कंट्रोलर्स, और इन्हीं रिदम कंट्रोलर्स में सबसे पहली बटन होती है, इसको पहली कहिए या लास्ट कहिए, इधर से देखेंगे तो ये पहली होगी, इधर से देखेंगे ये पहली होगी। इसी के ऊपर लिखा गया म्यूजिक प्रीसेट, ए कॉम्प, उसके नीचे लिखा गया पार्ट सेलेक्ट, यानी इससे कुल मिला के हम तीन काम कर सकते हैं। जो पार्ट सेलेक्ट है इसका यूज जनरली हम लोग लेसन में करते हैं, यानी जब आप इस कीबोर्ड से ट्यूटोरियल ले रहे हैं लेसन का, तो आप इस बटन से लेफ्ट और राइट हैंड को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर जो दोनों लिखा उसका मतलब क्या होता है? जैसे भी नॉर्मली मैं कीबोर्ड के कीज को अगर इधर से प्रेस करूं तो नॉर्मल साउंड निकलेगा, जो भी टोन लगा उसका साउंड निकलेगा, जैसे अभी मैंने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया है, तो देखिए नॉर्मल साउंड, पियानो का साउंड, स्टेज पियानो निकल रहा है। लेकिन चलिए मैं इस वाली बटन को सिर्फ एक बार दबाता हूँ तो देखिए क्या चेंज आ जाता है। जैसे ही मैं इस बटन को दबा के अब अगर लेफ्ट की किसी भी की को प्रेस करता हूँ तो देखिए साउंड में कितना चेंज आ जाता है। अभी मैंने इधर से कुछ भी प्रेस नहीं किया, बस यही वाली बटन दबाया। तो सिर्फ एक बार इस बटन को दबा देने से इधर वाली सारी कीज जो है वो अपना टोन चेंज कर ले रही हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, एकॉम्पैनीमेंट कीबोर्ड होता है, यहाँ तक इस वाली की तक, इसके बाद से नॉर्मल बजेगा, लेकिन इसके इधर सारे टोन चेंज हो जाएंगे सिर्फ एक बार दबा देने से। अब चलिए मैंने एक बार इसको प्रेस कर दिया है, अभी कंटिन्यूअसली मैंने प्रेस नहीं किया है, एक बार मेरा ए वाला बटन प्रेस हुआ है, यहाँ पे देखिए ACOMP एकॉम्प लिख के शो कर रहा है। अब यहीं पे अगर मैं स्टार्ट स्टॉप वाली बटन दबा दूं तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे ही आप ये वाली स्टार्ट स्टॉप बटन दबाएंगे तो एकॉम्पैनीमेंट बजने लगेगा, देखिए कितना मस्त म्यूजिक निकल रहा है, लेकिन ये जब आप ये वाली बटन दबाएंगे तभी हो रहा है। अब चलिए मैं तीसरी चीज बताता हूँ, जब आप इस बटन को कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर, तब यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारी चीजें ब्लिंक करने लगी, यहाँ पे एन ब्लिंक करने लगा, एकॉम्प ब्लिंक करने लगा, ये जो चारों सर्कल्स हैं ये भी ब्लिंक करने लगे। अब इससे होगा क्या, अब जैसे ही इधर से मैं कोई भी बटन दबाऊं बिना इनमें से किसी बटन को दबाए तो देखिए अपने आप से बजने लगेगा। Thank you.
तो देखिए मैंने इसको प्लस वाली बटन से चेंज कर लिया। चेंज करेंगे तो आपको नए नए पैटर्न्स मिलते जाएंगे और सबसे अच्छी बात जो भी पैटर्न चल रहा होगा उसके हिसाब से टोन लग जाएगा। देखिए सब पैटर्न में नया टोन बज रहा है तो कीबोर्ड अपने आप से टोन सिलेक्ट कर ले रहा है। आप उसको बजाइए उसके हिसाब से बहुत मस्त बजेगा भाई, बहुत कमाल का फीचर है। तो क्या आपने इस चीज को यूज किया? अगर नहीं करते होंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये फीचर्स कैसे लगे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा।